करोमि गणपति बाप्पा। सर पे कौन बिठाया आप लोगों ने ना? आज मैं बोलता है ना तो बहुत लोगों को कड़वा लगता है, कड़वा लगता है। मैं किसी को नहीं छोड़ता, वो नेता रहने दे, अभिनेता रहने दे, पुलिस वाला रहने दे, कोई भी रहने दे, मैं किसी को नहीं छोड़ता है। मैं बोलता है मगर है ना, शरीफ लोग बैठे ले रहते हैं, ये देख बोलता है। अरे तू नहीं मैं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? तुम बोल के दिखाओ ना। जिनको जो भाषा समझती है वो भाषा में मैं समझाता हूँ। अगर आपको लगता है मेरी भाषा गलत है तो आप लोग टाई मार दो, कोट डालो और उसको समझाओ, सर ऐसे नहीं बोलने का, सर ये बुरी बात होती है, सर तुमको नहीं सुनने को आएगा। तो जो सर? कम से कम बोलता है ना उसका साथ दो, साथ नहीं देते है तो उसके खिलाफ भी मत जाओ। मैं किसके लिए बोलता हूँ? हमारे बहन बेटी के लिए बोलता हूँ, देश के लिए बोलता हूँ, धर्म के लिए बोलता हूँ। हाँ मुझे क्या गरज है? मेरे को दुनिया के नोटिस आते हैं, दुनिया की धमकियाँ आती है, सब कुछ आता है, फिर भी मैं किसके लिए बोलता हूँ? मेरे पास सब कुछ है रे, पैसा है, बेटा है मेरा, वेल्थ सेट है, फिर भी मैं आज बोलता हूँ ना, क्योंकि करोड़ों लोगों की जबान है। अगर मैं नहीं बोलना बंद करेगा ना तो उनको उनको उनके सामने आग उठा के देख नहीं सकता, इसके लिए बोल रहा हूँ, आज तक बोलता हूँ। जिसको साथ देना है वो साथ देगा, नहीं अच्छा, कोई घंटा आओ जो पेटेला है योगी आदित्यनाथ, समझा? अगर उसके जैसा इतना सा भी अगर यहाँ के मिनिस्टर और अपने देश के मिनिस्टर ने सीख लिया ना तो किसी के मजल नहीं होगी कुछ उंगली करने की, ऐसा है। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर भाव आया यहाँ पे गणपति, क्या बोलना चाहते कुछ? मैं गणपति जी के लिए भाव का श्रद्धा बहुत अलग तरह से है, हर साल हम देखते हैं भाव की श्रद्धा भी, भाव खुद भी अपने वहाँ गणपति बिठाते हैं। और एक बार मैंने इस बार भाव को कुछ पूछा था, भाव ने बोला नहीं केवल भाई मैं मेरी श्रद्धा और मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं गणपति बिठाता हूँ, मैं किसी से भी एक रुपया लेता नहीं लेते भाव। मैं आज 16 साल हो गया मैं गणपति बापा बिठाता है, 800 रुपये से चालू किया था मैंने, आज 90 लाख रुपया खर्चा करता हूँ मैं, अपनी औकात चटनी रोटी के उससे ज्यादा दिया मेरे बापा ने। आज भी किसी से 1 रुपया लेता नहीं, कुछ ना प्रमोशन करता है, जो भी मेरे को सोशल मीडिया पे मिलता है, जो भी प्रमोशन कमाता है पूरे साल भर इंतजार करता है उसके आने का। 70% पैसा मैं जरूरतमंदों में देता हूँ और बाकी का बापा के लिए बचा के रखता हूँ। तो कोई भी कितना से बड़ा कितना आदमी एक बार बोल के बतावे कि भाऊ को मैंने 1 रुपया दिया, या कोई मिनिस्टर या कोई पॉलिटिशियन एक बार बता के बोल देवे कि भाऊ को मैंने पैसे दिए। मैं किसी से पैसा लेता नहीं, खुद के दम पे हूँ, खुद के दम पे रहूंगा। आखिर में सर सवाल है, सर जो बहुत सारे नेता अभी तक चुप है इस मुद्दे पे, जो मौके के अगर उनको अपनी कुर्सी संभाल लेना तो उनको राजनीति करनी पड़ेगी, समझा? फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएगी अगर कुछ बोलेंगे तो। ये किसी के नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो सकते, ये जो किसी के नहीं हो सकते वो तुम्हारे कैसे होंगे, हमारे बहन बेटी के कैसे होंगे, समझा? अगर चाहे तो तुरंत ना वो कानून बन सकता है, मगर सारे ये बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों के बेटे ऐसे आईएएस है तो कैसा कानून बनेगा? मगर वो टाइम आएगा, ऐसा वो टाइम आएगा, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी अभी अपनी बहन बेटी है ना बहुत समझदार हो गई। मैं बोलता हूँ कि डरने का नहीं रे लोग से, जो आपको लग रहा है कि मेरे को आंख उठा के भी देख रहा है, बुरी नजर से देख रहा है, रास्ते में पकड़ के मारो ना उसको, मारो ना। और ये एक मुंबई शहर अपना ऐसा है जिसको मैं मानता है, क्योंकि रात को 2-2.5 बजे भी यहाँ से कोई लड़की अगर चल के गई ना तो किसी का मजा नहीं होता है उसको छेड़ने का। एक बार आके देखो ना तो पता चलेगा कि गरीब लोग भी कैसा बिठाते, समझा? कैसा बिठाते ना, जाके देखो एक बार। आज मैं पूरा मुंबई पुलिस के लिए ना कैंपेन किया, पूरा बंबई से लेके ना टाउन तक ना डिजिटल होर्डिंग लगाया, ऐसी मुंबई पुलिस को सलाम किया है, थैंक यू बोला है। आज पूरा वो पूरा मेरा मंडप के आजू बाजू में पूरा मुंबई पुलिस के लिए होर्डिंग लगाया, सलाम किया उनके लिए गाना बनाया। एक इंस्पेक्टर को रे वो खाकी में ना जो आप देख रहे ना वो भी एक इंसान है, वो भी अपना घर का त्यौहार, बच्चों का बर्थडे, बच्चे के साथ जाना चाहता है दर्शन के लिए, नहीं जा पाता है क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए ना वो खड़ा है। सही बात, सही बात। उसकी कदर करो, कदर करो। अरे तुम्हें क्या, सीधी भाषा में बोला ना, ये आदमी अच्छा काम करता है,
इसके लिए मैं इसके साथ देता हूँ, बाकी इनसे मेरा क्या लेना देना, बिजनेस है क्या इनके साथ मेरा? नहीं ना, जो अच्छा काम करता है उसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ, और मैंने इतने सालों से देखा है कि ये सबका सम्मान करते हैं, इसके लिए मैं भी इधर आता हूँ। उनको एक ना मैं मैसेज देता हूँ कि पहला तो ना आप लोग नशाबाजी से दूर रहो, बाबू सोना कम करो, माँ बाप का सुनो। आज 80% बच्चे ना अपना माँ बाप का फोन आने के बाद ना इग्नोर करते या कुछ ना कुछ बहाना बना देते। देखो आज आपके मोबाइल में उनका फोन बज रहा है ना, उठाओ ना, एक बार आके देखो ना, तो पता चलेगा कि गरीब लोग भी कैसा बिठाते, समझा, कैसा बिठाते ना, जाके देखो एक बार। आज मैं पूरा मुंबई पुलिस के लिए ना कैंपेन किया, पूरा बंबई से लेके ना टाउन तक ना डिजिटल होर्डिंग लगाया, ले मुंबई पुलिस को सलाम किया है, थैंक यू बोला है। आज पूरा वो पूरा मेरा मंडप के आजू बाजू में पूरा मुंबई पुलिस के लिए होर्डिंग लगाया, सलाम किया उनके लिए गाना बनाया। एक इंस्पेक्टर को रे, वो खाकी में ना जो आप देख रहे ना, वो भी एक इंसान है, वो भी अपना घर का त्योहार, बच्चों का बर्थडे, बच्चे के साथ जाना चाहता है दर्शन के लिए, नहीं जा पाता है क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए ना वो खड़ा है। सही बात, सही बात। उसकी कदर करो भाई, कदर करो। अरे तुम्हें क्या, सीधी भाषा में बोला ना, ये आदमी अच्छा काम करता है, इसके लिए मैं इसके साथ देता हूँ, बाकी इनसे मेरा क्या लेना देना, बिजनेस है क्या इनके साथ मेरा? नहीं ना, जो अच्छा काम करता है उसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ, और मैंने इतने सालों से देखा है कि ये सबका सम्मान करते हैं, इसके लिए मैं भी इधर आता हूँ। उनको एक ना मैं मैसेज देता हूँ कि पहला तो ना आप लोग नशाबाजी से दूर रहो, बाबू सोना कम करो, माँ बाप का सुनो। आज 80% बच्चे ना अपना माँ बाप का फोन आने के बाद ना इग्नोर करते या कुछ ना कुछ बहाना बना देते। देखो आज आपके मोबाइल में उनका फोन बज रहा है ना, उठाओ